कल माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा करनी है उसमें आपको सिंदूर कैसे लगाना है, चलिए आपको सिंदूर से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताती हूँ। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, जबकि सरसों के तेल शनि का कारक माना जाता है जो बुरी नजर से बचाता है। तो जब आप सरसों के तेल से घर पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये ईविल आई से आपको बचाता है। दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। सिंदूर में पाया गया जो एक पारा होता है, जो एलिमेंट पारा होता है, ये चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं लाता और सिंदूर में स्नान के बाद जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट या बुरे प्रभाव होते हैं ये चले जाते हैं। अगर किसी फीमेल को मैरिड को पावर्टी को दूर करना है तो अपनी मांग आपको माँ दुर्गा के दिए हुए सिंदूर से भरनी चाहिए जो मंदिर में मिल जाता है, मांग के भी ले सकती हैं। आप जानते ही हैं कि मैं आपसे नवरात्र स्पेशल पे बात कर रही हूँ। हर दिन आपको जो माँ का स्वरूप है उससे एक दिन पहले तैयारी करवा देती हूँ, जिसे माँ चंद्रघंटा का पूरा सिंबलिज्म ही बताता है कि बेसिकली इनके फेस पे ऐसे आधा चांद है और घंटे की जैसे इनकी आवाज़ या साउंड है। तो घंटी जो मंदिर में होती है नेगेटिविटी को दूर करती है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको जोर जोर से घर के चार कॉर्नर्स में और सेंटर में घंटी बजानी चाहिए। ये आपके घर की हर तरीके की नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी हैप्पी न्यूज आएगी। मेक श्योर चार कॉर्नर्स घर के और घर के सेंटर में आप जोर जोर से घंटी बजाएं। दिस इज अ लिटिल ट्रिब्यूट टू माँ चंद्रघंटा एंड रिमूविंग नेगेटिविटी, द वॉइस साउंड थेरेपी फॉर योर हाउस टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।